मैं हूँ मान में, और आज है हम लोग का 10वां दिन। और कल जैसे आपको दिखाया था कि आप एक पानी की बोतल रखें हम लोग, तो ये पानी की बोतल है जो कि जमी नहीं है। और बाहर का मौसम बड़ा ही एकदम खुला खुला है, सारी बाइक्स रेडी हो चुकी हैं, वहाँ पे सर लोग नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ी सी पैकिंग और बची है, चल चलते हैं फिर वहाँ पे। फ्रॉम मान विलेज, फ्रॉम पैंगोंग एक्चुअली। बाइस कंप्यूटर, हम अभी बढ़ रहे हैं आज के डेस्टिनेशन के लिए। टुडे इज डे 9, तो आज हमारा डेस्टिनेशन हानले है। जस्ट हैव अ लुक एट द बैकग्राउंड, वैली, ब्यूटीफुल वैली, पैंगोंग लेक, ये लेक, दैट ब्यूटीफुल लेक, जिसके लिए हमने ये स्ट्रगल करके हम यहाँ पहुंचे। और वी आर गुड टू गो, हमने चाइना वालों को समझा दिया है। We are good to go in next five minutes. हाँ, आज हम लेट हो गए, it's 7:40, but can't help it. Sometimes things. यहाँ रात को टेम्परेचर -5 के नीचे था। सब टाइम से था, इन्होंने लेट किया है। लास्ट मोमेंट इनको 40 लग जाती है। सेम। चलो। ये अच्छा। बाय। इस पे चढ़ना मतलब कहाँ से चढ़ूँ? गोल घूम के। डर लगता है इसमें चढ़ना। तो भाई अपन सब रेडी, नाश्ता हो गया, एक बार गाड़ी चालू कर लेते हैं। कोल्ड स्टार्ट हो चुका है, फिर भी क्या हो गया? हो गया, चलो स्टार्ट हो जाना। चलो मिलते हैं भैया, बाय भैया। बहुत ही अच्छे भैया लगते हैं यहाँ के, मतलब एकदम अच्छे से। मेरे को ये ऑफ रोड बड़ा पसंद आया, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ओह, इंस्टेंट पावर, मेरी जान आराम से। गणपति बप्पा मोरया। तो आज डेस्टिनेशन है हानले, जो कि 160 किलोमीटर है। वो जहाँ हम लोग रुके थे उससे बहुत ही अच्छे थे लोग, बहुत अच्छे थे। बाय बाय मान। और हम मान से निकल रहे हैं, तो और लेकिन बस पैंगोंग लेक हमारे साथ चलेगा 20-25 किलोमीटर। और यहाँ शायद हमारा होटल दिख जाए, कितनी खूबसूरत झील है यार। कसम से भाई, एक नंबर। और स्नो कवर्ड माउंटेन देखिए, वहाँ छोटा सा एक गांव दिख रहा है, नहीं पता कौन सा, मुझे नाम नहीं पता, बट ये देखिए ऐसे आ रही दिख रही है। लास्ट में अपनी गाड़ी खड़ी है, नजारे देखो यार। हल्का हल्का पानी ना हरा दिखना स्टार्ट हो गया, ये कलर चेंज करता है, ऐसा सुनने में आया। नीले से ना हरे में जा रहा है, इतनी साफ पानी है यार। तो फाइनली सर की गाड़ी में हवा ठीक ठाक भर चुकी है। अरे नया रोड बना है शायद अभी,
और ये फाइनली ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है। आई लव दिस। आराम से पत्थर पे गिरना, यानी आप अपना पैर छोड़ आ सकते हो, इतना गंदा है। और ये बहुत अजीब है रास्ता और मेरे को मजा आ रहा है। यस, अब आएगा ना मजा। बहुत ही प्यारे हैं। वो कभी भी ऑफ रोडिंग में ना लाइट हाथों, मतलब हल्के हाथों से अपना हैंडल पकड़ना रहता है, जितना मैंने अभी तक सीखा है पर्सनली। R15 है मेरी जान, ऑलराउंडर बना के रखूंगा इसको मैं। यस, अपना भी तो रिकॉर्ड करो यार। थी गाड़ी, मैंने गलती घुसा दी थी। गाड़ी गलती घुस गई थी। हाँ, मजा आ गया। ये रास्ता बहुत अजीब सा है यार, मजा आ रहा चलाने में, क्योंकि गाड़ी अभी इसने स्किट मार रही है, धस रही है। अभी तो गाड़ी फंस गई थी वाटर क्रॉसिंग में, ये देखो गया, ओए बच गया। वो आराम से। निकल गई, come on।
कसम से भाई, पत्ता से डर नहीं लगता, पता है रेती से डर लगता है। तो रास्ता भी अपन कार को देखते हुए जा रहे हैं, सर को भी नहीं, किसी को एक रास्ता पता नहीं है, और ये गाड़ी लहरा रही बहुत। ये कौन सा चौक है नहीं पता। वे टू चिशूर, चलो बढ़िया। पैंगोंग लेक अब उनको बाय बोलने जा रहा है शायद, बहुत दूर हो गया अपन से। बाय बाय पैंगोंग लेक, नहीं पता अब कब मिलेंगे अपन। बहुत ही खूबसूरत हो आप, चल भाई टैक्सी रो। सुशील के लिए रास्ता बना हुआ है, बीच बीच में ऑफ रोडिंग है, जब जे एस पाजी की हायाबुसा कर सकती है तो अपनी तो R15 है, छोटी सी गाड़ी तो क्यों नहीं कर सकती। और एक चीज़ सही बात है, राइडर में जज्बा होना चाहिए करने का, कोई भी बाइक में कोई भी कुछ भी कर सकता है। बहुत प्यारा रोड है यार हानले के लिए, और अभी तो पेट्रोल पंप मिला नहीं ना बिस्किट से, 5 लीटर तो है वैसे मेरे पास, बट फिर भी भाई स्वर्ग में हूँ मैं ऐसा लग रहा है। I am in heaven right now. और ठंडे और goosebumps आ रहे हैं पता है। और सुसुवारी अलग। तो भाई लोग लेफ्ट साइड में अपना त्रिशूल गांव, ये इतना ध्यान रखना कि आप जब बिस्किट पैंगोंग हानले सॉरी चिशुल हानले जब आप ये रूट करोगे तो आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपकी गाड़ी अगर एवरेज नहीं देती है, ठीक है, 20-25 देती है, तो कम से कम 2 5-5 लीटर की जेरिकैन रख लीजिएगा। और जहाँ मतलब ठीक, अगर फिर भी अगर आपकी गाड़ी एवरेज देती है, जैसे हो गई मेरी R15 हो गई 50 के माइलेज देती है वो यहाँ पे, तो फिर भी आप एक जारी कैन रख लीजिएगा। तो अभी अपन चिशुल में पहुँच चुके हैं और यहाँ नाश्ता करने के लिए रुके हैं दिस डोल रेस्टोरेंट में। चलो कुछ खाते हैं, मिलता हूँ फिर आपको रोड पे। आने से लेकर रूट से इनको समझाओ ना। अभी आप यहाँ से जाओगे ना, यहाँ से 35 किलोमीटर ऑफ रोड है, यहाँ से आप थोड़ा आगे जाके बिल्कुल सीधा बोल रहा है, कहीं नहीं मुड़ना, रिजांगला आएगा ना इसमें। हाँ, यहाँ से 17 किलोमीटर जाके रिजांगला आएगा। तो बाइक को नाश्ता पानी करा दिए, 4 लीटर पेट्रोल आया भाई अपनी गाड़ी में। तो हो चुका है सबका गाड़ी का नाश्ता पानी, सब ने अपना जो जेरिकेन है उसको भी फिलअप करा लिया है, सबकी इसमें 1300 1300 1300, मेरे इसमें 530 समथिंग 520। बाय जूले। तो चुशुल से आगे अपन को लेफ्ट लेना है, वो रूट से अपन आए। वाह यार,
अपन जो वहाँ पे पेट्रोल भरा है अभी वो 130 रुपये लीटर दे रहे थे, मेरे इसमें चार है और वैसे ब्लैक में दे रहे थे वो। वो क्या बोल रहे थे वहाँ क्या है? चाइना का पहाड़ है। हैं? चाइना का पहाड़ है। वो वहाँ से? तो उन लोग अपन को देख सकते हैं अभी? ये सही है यार। तो अभी अपन बॉर्डर में है क्या? बॉर्डर नहीं है, वो तो चाइना का पहाड़ है। अच्छा। सही है यार। चाइना का बॉर्डर इतना पता है मेरे को। माउंटेन वगैरह। कर सकते हैं? हमारा तिरंगा वो देखो वहाँ लहरा रहा शान से। लोग मुझे पक्का पागल बोलेंगे हर वन फाइव से कर रहा है। यू आर अप्रोचिंग द एडो वन है। हाँ तो मैं ही बोल रहा था सब लोग मुझे पागल या चूतिया कहेंगे कि हर वन फाइव से ऐसे जगह पे आया। भाई आराम से हैं। यहाँ से हम निकल रहे हैं अभी। ये इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, स्पीचलेस हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियोस लेना अलाउ नहीं है। अभी 20-25 किलोमीटर और ऐसी रास्ता मिलेगा आपको। बहुत रोड ख़राब है यार। भूल कर भी आप ये रास्ते हानने वाले रास्ते में आप कभी रात को मत आइएगा, ट्राई भी मत कीजिएगा क्योंकि रास्ता है ही नहीं, आपको खोजना पड़ेगा टायर के थ्रू। अरे हाँ ना कुछ ना कुछ हम बीच मैदान से जा रहे हैं। कुछ खाने के लिए है ना पीने के लिए, हाइड्रेशन तो है बट रुक नहीं सकता मैं, और उसके बाद ना पेट्रोल के लिए। ये रहा चाइना बॉर्डर और इस माउंटेन्स के पीछे जस्ट चाइना के ओपी पॉइंट्स हैं और हमारी आर्मी के ओपी पॉइंट्स जस्ट पीछे निकले हैं। कैमरे में नहीं दिख पाएंगे वो, और लिटरली सी दिस यू गाइस, जस्ट एक छोटा सा लैंडमार्क यहाँ मेंशनड है, बट आपको टाइम मार्क्स देखने हैं, यू नीड टू फाइंड द रोड्स, नो नेटवर्क नथिंग। हम लास्ट 60 किलोमीटर से ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं। Oh man's land. We are the only 6 guys out here. No one around. No one. We had to travel around 125 more kilometers for that. तो अपन को लोमा साइड जाना है 38 किलोमीटर और मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर अभी ऐसी ऑफ रोड मिलेगा। एक तो यहाँ पे रोड नहीं है, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है ये। सर का मेमोरी कार्ड ख़राब है तो अभी मेरे को यहाँ से आगे तक पूरा वीडियो मेरे को उनको देना है। आराम से चल भाई, पूरा मतलब दोनों तरफ पहाड़ है और हम लोग बीच से निकले पड़े हैं। व्यू तो अच्छा है बट बोरिंग है बहुत।
seriously yaar, it needs lots of patience to travel in this kind of roads with this kind of super bikes. Hey bhai, girna nahi. Haan bas. Yeah, mere karan late ho raha hai kya? Chalo ruk gaye aise. Guys, finally we are at Tasagala Pass, which is altitude of 15,260 feet. Watch it, buddies, riders. एक unknown space जिसका नाम है Tasagala. Unbelievably, हम अपने route to Hanle से जब निकल रहे थे, जिस इस terrain पे जब हम चल रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि इस नाम का high pass आने वाला है. And look at this. We are standing at Tasagala. This might be our 12th pass. हाँ, ये pass हमारे count में था ही नहीं. Might be क्या? This we have already conquered it. Absolutely, this was not on our bucket list. We have already crossed that, and you can see. Look at this. And this is no man's land, na. First bikers group. This is no man's land. Let me pan the camera 360. Look at this. This is absolutely no man's land. दूर दूर तक कुछ नहीं है यहाँ पे. Oh man, just mesmerizing. Just अभी बलकलावा चेंज किया हूँ. हाथ प्रसन्न हो गया है. Just यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन कंप्लीट हुआ है. And we are just leaving. Loma, 230 kilometers. Bye. गाड़ी स्किट हुई अभी. अच्छा वो एबीएस नहीं है, कंट्रोल कर लूंगा यार मैं. रोड अच्छी आई. लोमा आ गया क्या? नहीं, 5 किलोमीटर तुम्हें. तो भाई नाश्ता पानी हो गया और मेरा पावर नैप भी हो गया. मेरे ख्याल से 20 मिनट का हुआ है. मेरे वजह से सर लेट भी हो गए. सर और कोई दर्द नहीं हुआ था, मैं थक गया था. मैं बहुत स्टेमिना भी जवाब देते ना भाई. था नहीं है, पेट निकला हुआ है. अंदर करना है यार, घर जाके नज़ारे देखो यार. ये सामने का हाल है और पीछे हमारे चाइना की बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर. चलो वाओ यार, हवा के साथ साथ टडलंग, हवा के संग संग टर. वो साथी चल, अभी गाने बजना. गाने कितने बज रहे? दूर तक पहाड़ है यार, पहाड़ी पहाड़. हम कहाँ हैं? हम किस गली जा रहे हैं? हम किस गली जा रहे हैं? अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं.
अरे 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 सर, अरे सर, ना 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 ना, आराम से आराम से, फंस गई लगता गाड़ी। ये वीडियो तो बनता ही है। फंस गई गाड़ी। ये गब्बू का गब्बू झुकेगा नहीं साला। ओए इस मका ओ थैंक यू भगवान, छांव देने के लिए बहुत जरूरी था ये। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन ऑफ रोड की जरूरत थोड़ी थी यार। यहाँ पे पता है वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, सैंड क्रॉसिंग मिलेगी, और वो अगर उसमें फंस गए तो फिर गए। वाओ ये नज़ारे देखने लायक हैं यार। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं ये सब देख पा रहा हूँ। रेत फिर घास, ओए सामने गड्ढा देख। पहले ये सबसे ऊपर से टॉप करता है, पहले स्नो फिर पहाड़, ठीक है, उसके नीचे मैदान घास का, फिर उसके बाद रेत डेजर्ट वाली, उसके बाद रोड, फिर इधर भी वही सीक्वेंस। यार एक इंसान नहीं दिख रहा है। ओए होए टीआर के फंस गई क्या? अरे अरे आराम से आराम से। अभी राजस्थान में तो नहीं हूं मैं। क्या हो गया, गाड़ी फंस रही सबकी? अपनी आराम से निकल जा रही है सुपर स्पोर्ट्स। रेती उड़ा दिए परिवार गगन सर के ऊपर रेती उड़ा दिए। सबकी गाड़ियां फंस गई है। कुछ सामान निकाल दो ना। पुश करना है, पुश। वन वन टू थ्री, चलो खींचो। टर्न लो टर्न लो, आराम से आराम से। मैं हट रहा हूँ, मेरे को पीछे नहीं रहना इनके। Okay.
सीधा रखो हैंडल, चलो कम ऑन, वेरी गुड। हाँ मेरे निकल जाएगी, हाँ ना गया यार, इससे तो पानी था। ओ भाई साहब यहाँ पतली दिख रही है, भाई साहब इतनी प्यारी निशानी है भाई, ये सब मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। क्या प्यारा नजारा है यार, साथ में नदी फिर हम मार रेत, साइड दो अंकल प्लीज 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 प्लीज।
से 43 किलोमीटर बचा है और ये नज़ारे देखो यार, वाह। ये वीडियो ऐसा क्यों लग रहा है मुझे 40 मिनट का बनेगा हर चीज़, हर एक एपिसोड। मैं ज़्यादा बात तो करता नहीं हूँ वैसे। ओए 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 ओए, ये बम्पर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बियारो, प्लीज ऐसा वाला बम्पर मत बनाए करो। आ मम्मी कितने बड़ा, ओए घोड़े है ना। मस्त रोलर कोस्टर था यार, साढ़े चार पे आ गए थे और जस्ट कुछ हल्का फुल्का खा के ऑब्जर्वेटरी के लिए निकलने ही वाले थे, यहाँ पास में है तो खुली नहीं थी एज शायद जल्दी बंद हो गई थी। और अभी जस्ट हमने डिनर किए हैं और जस्ट अभी जस्ट रूम में आए, होम स्टे है, सोनम होम स्टे नाम है इसका, मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। ये शिवेन भैया, ये प्रिंस सर, गगन सर, ये परिमल सर, रचित भैया, जुले जुले सर, कल का प्रोग्राम बताओ। कल का प्रोग्राम है थोड़ा सा नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट जिस लक्ष्य को लेके हम निकले थे वो लक्ष्य कल पूरा हो जाएगा। और जितनी अच्छी हमने अभी तक राइड दी है और उसी उम्मीद से हमारी कल की राइड बहुत अच्छी रहेगी और रेस्ट कल कंप्लीट हो जाए तो अपन सबको भेज देंगे बढ़िया। और होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने रिव्यूज़ दीजिए। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।